वामि यस्यस्ति दाराधा सृष्टि यस्यास्ति वक्षसि वृंदावन विहारंतम श्रीकृष्णम रुद्रचिंते सहजानंद स्वामी महाराज ने हरि कृष्ण महाराज ने आ दिव्य सभा में विराजमान अपना सर्वना इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण पूज्य गुरुजी वक्ता महोदय गुरुबंधु शास्त्री स्वामी हरिप्रकाश दास जी दरेक यजमान परिवार दरेक भक्तों ने मारा हित जय स्वामीनारायण। वहला भक्तों तुलसीदास जी एक मस्त बात लिखी छे, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। तुलसीदास जी के कोई साधु मिली जाए जे भगवान ने हृदय में धारी भगवान ने कीधेली जे चिंधेली मर्यादाओ छे ए प्रमाणे जीवनारा एवा साधु मिली जाए एनु एक घड़ी एटले 24 मिनिट। तुलसीदास जी ने क्यूं एटलू वधारे हशे, माणस एटलो समागम नहीं करी शके, तो अर्ध घड़ी 12 मिनिट एटलू वधारे लाग्युं। 6 मिनिट पण एवा साधुनो संग थई जाय मन कर्म वचने करीने तो ये जीवना अनंत गुनाओ अनंत पापो बड़ी भस्म थी जता हो। गुणात्यान स्वामी पण पोतानी वात में लिख्यू के जो जो हो रखे ने विचारजो कि आपणे जे आ वातो करीए छीए ने सांभळीए छीए ने ए कहीं टाइम ने व्यस्त नहीं करता, टाइम ने बर्बाद नहीं करता। लक्ष 84 ऊपर आपणे लीटा ताणीए छीए। एम वहाला भक्तो आवा कथा कहनारा केवी मस्त वातो करे छे, मने खबर छे, मने अनुभव छे। त्यां सुधी एवा निस्पृही जे भागवतनी अंदर वक्ताना जे लक्षण कीधा छे एवा सर्वश्रेष्ठ सरस मजाना लक्षणों शास्त्री स्वामी में जेने अनुभव्या होय एने देखाय आवे। एकदम निर्माणी, एकदम निखालस जीवन, कोई पण जातनी आकांक्षा नहीं, वस्तु भेळू करवानी कोई दी इच्छा नहीं, लोभ नहीं, स्वाद नहीं, जे होय ते ज मिले। नकर अवड़ा मोटा थया पछी नानू रहेवू ने ए तो बहु अघरू छे। नानाने सन्मान आपवू, चालशे भावशे फावशे आ वात ने चरितार्थ करीवी नहीं बहु अघरी होय छे। हजारों लोको बुलावे तो पण क्यारे अभिमान न आवे ए तो बहु कठिन छे। एवा गुणों मोटा गुरुना आशीर्वाद थी एमने प्राप्त कर्या छे। गुरु बहु राजी हता, बहु। हरिप्रकाश स्वामी आवे એટલે એવું કે હરિપ્રકાશ આવ્યો, માથા ઉપર હાથ મૂકે, અને એવા મોટા પુરુષ જ્યારે રાજી થતા હોય ત્યારે આવા સરસ મજાના રૂડા ગુણ આવતા હોય છે। ગુરુની દરેક વાતમાં દરેક આજ્ઞામાં કોઈ દી પણ સંશય થયો નથી, આવા સાધુ છે। એના મુખેથી આપણે 7 દિવસ કથા સાંભળવાની છે। વહાલા ભક્તો, આ
આપણી મોટા મોટી એક ખામી હોય તો એ છે કે વક્તા આવે ને પછી આપણે આવીએ. વાંચો સત્સંગી જીવન, વાંચો ભાગવત. નિયમ એવો છે, શ્રોતાને પહેલાં આવવાનું હોય પછી વક્તા આવે. ભૂલને સુધારીએ, આપણું જીવન નિર્મળ બનાવીએ. એમની કથા સાંભળીને કાંઈક આપણા જીવનમાં જો સારું થાય, કાંઈક ભૂલો હોય સુધરે, એટલું જ આ 7 દિવસની આ રજજન્સી મહોત્સવની એટલી જ આપણી સાર્થકતા છે. એટલું કન્વીરમું છું. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય.